गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एज यू नो आई एम उषा शुक्ला, योर असिस्टेंट टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू टीच योर चैप्टर 3, व्हाट इज गवर्नमेंट, फ्रॉम सिविक्स सेक्शन. इन दिस चैप्टर वी विल सी अबाउट व्हाट डज द गवर्नमेंट डू, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट हाउ मेनी लेवल्स, व्हिच टाइप ऑफ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. So students, let's start. All of you open your page number 197 from civic section. Let's start. Man lives in a society. हम लोग सोसाइटी में ही रहते हैं ना. हम लोग सोसाइटी में, man lives in a society. He is depend on society to fulfill his needs. हमारी सारी requirements कहाँ से पूरी होती है? Society से पूरी होती है. To reconcile various interests of people and to resolve issues, we need an organization. हमें एक organization की जरूरत होती है सारी अपने issues को resolve करने के लिए, and reconcile various interests and of the people. सारे से अलग अलग लोगों के अलग अलग interests को जानने के लिए और अलग अलग issues को resolve करने के लिए हमें organization की जरूरत होती है. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द गवर्नमेंट. वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, हमारे इंटरेस्ट को सुनती है, वो क्या होती है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है, व्हाट इज गवर्नमेंट. वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट है. इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट. स्टेट का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो. नो सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज दैट अराइज कैन बी लेफ्ट टू पर्सनल चॉइस. We also need discipline and order in society. हमें भी सोसाइटी अच्छी तरीके से चले, हमारे समाज में डिसिप्लिन मेंटेन रहे एंड नियम कानून, कायदे कानून अच्छी तरह से उसको फॉलो किए जाए और डिसिप्लिन मेंटेन रहे, वो हम लोग भी चाहते हैं. Therefore, every country needs a government to make a decision and get things done. और उस चीज़ों को सही तरीके से प्रोसेस में लाने के लिए सभी कंट्रियों को गवर्नमेंट की जरूरत होती है. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ योर स्कूल. एक छोटा सा एग्जांपल स्कूल का ही हम लोग ले लें, उसको कैसे चलाया जाता है. स्कूल को भी हमें ऑर्गेनाइज करके चलाना है, अच्छे तरीके से चलाना है, तो वो कैसे हमें हम उसको मैनेज करते हैं, उसको कैसे मैनेजमेंट कैसे गवर्न करती है उसको. यू नीड ए मॉनिटर इन द क्लास टू मेंटेन डिसिप्लिन ऑर्डर एंड टू रिपोर्ट टू द क्लास टीचर. All of you know, na? In every class you need a monitor. Monitor ना हो तो teacher जैसे ही बाहर निकले class की क्या हालत होती है, तो monitor को इसीलिए appoint किया जाता है कि अगर class में teacher नहीं है तो class को discipline, class का discipline order maintain रहे, और अगर कोई कुछ भी करता है उसके report class teacher को दी जा सके. The headmaster and the principal look after the academic and administrative affairs of the school. Likewise, we need a government to take care of our needs and resolve differences. What does the government do? Government kya karti hai? Kya karna chahiye government? The government takes the decision like where to build roads, schools and hospitals, how to control the prices of vegetables, fruits, etc. Kaise sari cheezon ko prices ko control karke बेचे सब लोग, नहीं तो अगर उस पर कंट्रोलिंग ना हो, उसका कोई लिमिटेशंस ना हो, तो हमें चीज़ें एक रीजनल लेवल रीजनल प्राइस पे हमें वो मिल ही ना पाए, इसलिए इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, कहाँ पे स्कूल बनेगी, कहाँ पे बिल्डिंग्स बनेगी, कहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाई जाएगी, सारे डिसीजंस कौन लेते हैं, गवर्नमेंट लेती है. हाउ टू कंट्रोल क्राइम ड्यूरिंग नेचुरल कैलमिटीज लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स और अर्थक्वेक, जब नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, कुदरती विपदाएं जब अचानक वाली जो आती हैं एपिडेमिक्स, तो उससे कैसे निपटा जाए, वो सारे अगर मैनेजमेंट कौन करता है, वो सारा देखभाल गवर्नमेंट करती है. तो गवर्नमेंट का यही सब काम है. द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एड एंड रिलीफ टू द अफेक्टेड पीपल. सभी की मदद करना, सबको दवा पहुंचाना और सबको राहत पहुंचाना, ये किसका काम है, गवर्नमेंट का काम. इट ऑल्सो मेंटेन द कंट्रोल्स रेलवे एंड पोस्टल सर्विसेज. द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेन्स रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट्स. इफ देयर इज ए थेफ्ट और रोबरी इन हाउस,
The victim reports to a police station. The police arrested the culprit and produces him in the court where the judge delivers his judgment. Police station and courts are also a part of the government. Police station and court भी government का ही part है, क्योंकि अगर crime है तो उसको control कौन करता है? Police करता है. Police के थ्रू अगर पुलिस भी कहीं कुछ गलत कर देता है तो उसके लिए क्या होता है, जजमेंट के लिए क्या कहा जाते हैं हम लोग, कोर्ट्स में जाते हैं, तो उसके लिए कोर्ट्स हैं. तो ये सारी जो पार्ट्स हैं वो भी गवर्नमेंट के ही पार्ट्स हैं. सम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर वेरियस पर्पस. बहुत सारे रूल्स, कुछ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाते हैं उसके वेरियस पर्पसेस, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है. द गवर्नमेंट मेक्स लॉस इन ऑन बिहाफ ऑफ इट्स पीपल फॉर द प्रोग्रेस, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. रूल्स और रेगुलेशन किस लिए बनाया जाता है? उनके प्रोग्रेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता है. इट टेक्स सर्टेन डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट्स देम फॉर द पीपल लिविंग इन इट्स टेरिटरी. अब उनके अपने खुद के एरिया में, जो अपने प्रांत में, प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं, उनकी सुख सुविधा, उनके देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है. नाउ वेलकम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. व्हाट इज द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? देयर आर थ्री ब्रांचेस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. दे आर कॉल्ड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, गवर्नमेंट की थ्री ब्रांचेस होती है. द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आता है. पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, टू लेजिस्लेचर्स, लोकसभा एंड राज्यसभा. उनका काम है मेक्स लॉ फॉर द कंट्री, पर देश के लिए कानून बना के उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका होता है? लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर्स इलेक्ट होके जाते हैं वो ये प्रोसेस, ये काम उनका गवर्नमेंट में होता है. एंड नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट इज एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट सुप्रीम पावर होता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट एंड देन पीएम एंड काउंसिल मिनिस्टर्स एग्जीक्यूट द लॉज. ये सारे भी लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं एंड एडमिनिस्टर्स द कंट्री. और कंट्री को एडमिनिस्टर करना मतलब देश को चलाते हैं इनके थ्रू. ये इनका काम होता है कि लॉज को एग्जीक्यूट करना एंड एडमिनिस्टर कंट्री, मतलब कि देश को चलाना है, ये इनका काम होता है. एंड थर्ड पार्ट ऑफ जुडिशरी ऑर्गन्स, ये क्या है? गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सबसे ऊपर कौन है? सब यहाँ पे इंसान हम लोग जाते हैं जस्टिस के लिए. अगर यहाँ हमें जस्टिस नहीं मिलता तो हम यहाँ पे जा सकते हैं. अगर यहाँ भी हमें लगता है कि हमें जस्टिस नहीं मिल पाया है तो हम यहाँ जाके उसको अपने लिए, अपने राइट के लिए यहाँ पे भी हम लोग फाइट कर सकते हैं. यहाँ पे भी यहाँ से हमें तीन या चार मौके हमें मिलते हैं अपने आप को जज करने के लिए. नाउ देर आर थ्री ब्रांचेस और ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. दे आर कॉल्ड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. एज वी हैव रीड अबाउट द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक लॉज, दिस इज डन बाय लेजिस्लेचर. Makes laws, this is done by legislature. The legislature consists of parliament at the national level and legislature assemblies at the state level. The laws have to be implemented throughout the country. If the laws remain on paper only, no purpose is solved. Agar paper pe hi kanun ban ke reh jaye to koi cheez solve nahi hogi. Those who break or violate the laws got to be disciplined and punished. This is done by the executive. यहाँ पे लॉज तो मेकिंग हो गए है ना, कानून बना लिए गए लोगों के लिए, बट उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, उसको चलाना है, उसको लोगों में लोगों के पास रखना है. वो कौन काम करता है यहाँ पे? एग्जीक्यूटिव्स. हम जो इलेक्ट करके भेजते हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं एंड देश को चलाते हैं. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द नेशनल लेवल. At the state level, it consists of the chief minister and the council of minister. और state level पे वही काम chief minister और council of minister करते हैं. It consists
The administrative and the police staff at the national and state level also form the executive organ of the government. स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के जो पुलिस स्टाफ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस स्टाफ, वहाँ के गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है. देयर नीड्स टू बी समबडी टू जज वेदर द एक्यूज्ड पर्सन हैज एक्चुअली वायलेटेड और ब्रोकन द लॉ और नॉट. द पुलिस में अरेस्ट एन इनोसेंट पर्सन. दे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हैज टू बी डिसाइडेड एज पर लॉ. There may arise difference regarding the interpretation of the laws made by the legislature. All these functions are discharged by the judiciary. It consists of the Supreme Court at the union or national level. At the state level, the High Court functions. At the district level, we have the district courts. There is only one Supreme Court in India located in Delhi. Every state has High Court. All districts of the state have a district court. Each. सारे डिस्ट्रिक्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मिलेंगे, सारे स्टेट्स में आपको हाई कोर्ट हैं एंड वी हैव ओनली वन सुप्रीम कोर्ट इन आवर कंट्री. ओनली वन सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली, विच इज लोकेटेड इन दिल्ली. एंड एवरी स्टेट हैज नेशनल लेवल पे सिर्फ एक कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट. स्टेट लेवल पे एवरी कोर्ट हैज ए हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. Now levels of government. This is the levels of three levels of government: national level, state level, and local government. तो तीनों level पे अपना जो formation है government का, वो तीनों level पे executives through as a executives through काम करते हैं सारे levels के. वो executives के through वो law implementation होता है ना. बाकी जो नियम कानून जो बने रहते हैं, वो अपने अपने area को administer करते हैं. The government works at different levels. At the national level, at the state level, at the district level, at block level, and finally at the panchayat or municipality levels. The real head of the government at the national level is the prime minister, at the and at the state level, the chief minister. The head of the district administration is the district collector or the district magistrate. The block development official, BDO, looks after the administration at the block level. BDO looks after the administration at the block level. The various powers of the government are divided and listed in our constitution. The list of powers and functions regarding the subjects on which only the national government can make laws is called the union list. This list includes defense, railways, foreign relations, etc. सारे जो ये government के under में आते हैं सारे sections. This list of powers and functions pertaining to state government is called the state list. This list include law and order, land reforms, excise tax, agriculture, health and sanitization. Both the governments can make laws on subjects contained in the concurrent list. Dono government is sare jo baki jo other sections hain, law and order, land reforms, excise tax, agriculture, health and sanitation, इस पर दोनों गवर्नमेंट मिलके, स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट मिलके डिसीजन लेती है. दिस लिस्ट इंक्लूड्स प्राइस कंट्रोल, एजुकेशन एक्सेट्रा. एंड उसमें प्राइस कंट्रोल और एजुकेशन वगैरह भी इस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं. नाउ स्टूडेंट्स, टूडेज अवर टॉपिक इज ओवर. टूडेज अवर क्लास इज ओवर. वी विल कंटिन्यू विथ मोर डिटेल्स इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.